दिमाग चकरा गया मेरा जब मैंने फुटेज को इसके देखा। तो गाइस, क्या आपके मन में भी कभी कुछ क्रेजी करने का ख्याल आता है? आता है कि नहीं आता? आता होगा, लेकिन बहुत बार हम लोग कर नहीं पाते। लेकिन यार, आपका भाई है ना आपके लिए, तो आज हम ऐसा ही कुछ क्रेजी चीज करने वाले हैं। हमारे पास में है एक मोबाइल फोन एकदम परफेक्ट वर्किंग कंडीशन के अंदर, और इस फोन को हम लोग 1000 फीट ऊंचाई से गिराने वाले हैं। आई एम श्योर कि काफी लोगों ने सोचा होगा कि अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई से एक मोबाइल को नीचे गिरा दिया जाए तो क्या होगा। तो भाई, आपका भाई आपके लिए आज यही टेस्ट करने वाला है। एकदम एकदम वर्किंग फोन है। और गाइज, ये जो है, अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैंने कहीं से सस्ता सा खरीद लिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो फ़ोन है, ये मेरा खुद का फर्स्ट स्मार्टफोन है। ये फ़ोन मैंने लगभग 2 साल यूज़ किया, और इस फ़ोन से कई वीडियोस भी बनी है, वीडियोस की क्लिप्स भी बनी है जो क्रेजी एक्सवाइज़ पे डली हुई है। तो ऐसा नहीं है, ये मेरा खुद का फ़ोन है, मैंने काफ़ी पहले खरीदा था, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर चलता है एकदम बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। 1000 फीट भेजेंगे हमारे इस ड्रोन की मदद से, और वहाँ से गिरा देंगे नीचे, और फिर देखते हैं कि क्या ये जो फ़ोन है सर्वाइव कर पाएगा, क्या ये ऑन हो पाएगा, क्या इसकी स्क्रीन बचेगी, और साथ ही साथ में इसका कैमरा भी चालू रखेंगे। तो देखते हैं ऊपर से नीचे गिरने का जो नज़ारा है, क्या वो फ़ोन में रिकॉर्ड हो पाएगा या नहीं, आई डोंट नो क्या होगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन ये फ़ोन जो है, मुझे लगता है कि आज इसकी वॉच जरूर लगने वाली है, लेकिन यार हमेशा के लिए एक मेमोरी बन के रह जाएगा फ़ोन, वीडियो के अंदर रहेगा तो, है ना। तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना, और यार पता नहीं क्या होगा। चलो ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये फोन मेरी जिंदगी का एक ऐसा फोन था जिसमें आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। मतलब कि जब से ये फोन आया है कई सालों से, ना तो आज तक इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई, ना तो इसकी स्क्रीन टूटी कभी, ना ही इस फोन की बैटरी कभी खराब हुई, ना ही इस फोन में और कोई भी दिक्कत आई। एकदम स्मूथ चलता है। अभी भी जो स्क्रीन है आप देख सकते हैं, वो एकदम ठीक है। और ज़रा इसका लॉक अपन खोलते हैं, अभी मैं पासवर्ड भूल गया, ये है, हाँ ठीक है, खुल गया। ब्राइटनेस एक बार फुल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि भाई जो फ़ोन है वो एकदम बढ़िया से चल रहा है, ठीक है। एक बार मैं आपको कैमरा भी चालू करके दिखा देता हूँ। फ़ोन का कैमरा कहाँ गया यार, मेरे को काफ़ी दिन हो गए इसको यूज़ किए, इसमें आता है शायद, हाँ ये रहा कैमरा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो है एकदम बढ़िया से काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप इसमें जो है मुझे भी अभी देख सकते हो, अभी मेरा फेस इसमें दिख रहा होगा, और ऐसा ही कुछ फ्रंट कैमरा के साथ में भी है। अब जो है फ्रंट कैमरा चालू हो चुका है, लेकिन सामने सूरज है तो आपको वही दिखेगा, ठीक है। तो यानी कि पूरा एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, और भाई आपके भाई के ऊपर विश्वास है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि ये फ़ोन एकदम प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और करने की सोच रहा हूँ कि इसका एक कवर हटाते हैं, और इस फ़ोन के ऊपर ये स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है काफ़ी पहले से, और ये टूटा हुआ है, तो इसके ऊपर अपन एक दूसरा स्क्रीन गार्ड लगाएंगे, ये स्क्रीन गार्ड, और फिर देखेंगे क्या जो स्क्रीन गार्ड है वो कुछ हेल्प करेगा 1000 फीट से गिरने में फोन की। तो इसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर टेप और धागा लगा के ऊपर भेजते हैं। अबे यार, ये गार्ड भी यहाँ से कोने से टूट गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्नर ही है जस्ट। फोन पर लगाते हैं, और भाई यहाँ पर जो स्क्रीन गार्ड है वो मैंने हमारे फ़ोन पर नया लगा दिया है। तो अब ये भी देखना रहेगा कि ये जो है किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट कर पाता है। तो अब इसके ऊपर जो है टेप और धागा लगाएंगे। तो गाइज, यहाँ पर फोन को हमने धागे से बांध दिया है, ड्रोन एकदम रेडी है। और यार एक प्रॉब्लम हो गई है, हवा चल रही है, आई डोंट नो कि कैसा यहाँ पर क्या होने वाला है। ड्रोन को मैंने लटका, मोबाइल को मैंने लटका दिया हमारे ड्रोन में। तो भाई, इस फोन के बैक कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज हम भूल गए थे। मोहित पकड़ के रखियो अच्छे से, ठीक है, छोड़ दे बस, बहुत अच्छे इसमें लगाइयो। हवा चल रही है, लेकिन ड्रोन जो है वो काफी पावरफुल है, जाने दू क्या, रिकॉर्ड चालू है ना। ऑल राइट, छोड़ दे, भेज रहा हूँ, ये गया। अब यार ओए, हिल रहा फोन हिल रहा, ध्यान रखना कहीं अपने सर पे ना गिर जाए। गाइस, 128 फीट गया है, अबे हिल तो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 210 फीट जा चुका ऑलरेडी। और भाई साहब, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो गिरेगा तो टूटेगा फोन। घूम रहा है, बहुत तेज घूम रहा है, लेकिन अभी निकला नहीं है, सही है।
412 फीट, क्या बात है यार, इसमें वेट नहीं है तो इसको जबरदस्त तरीके से जो ड्रोन है वो ले जा रहा है, 500 टच करा दिया इतना जल्दी तो। अरे वाह यार भाई, ये तो इस ड्रोन का पावर है। और मैं ड्रोन के ऊपर जाने की स्पीड को बिल्कुल अभी कम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने कम किया वैसे ही गिर जाएगा फोन। अबे वो हिल रहा है, बहुत तेज हिल रहा है भाई, गिर सकता, ध्यान रखना अपने ऊपर ना जाए। 810 800, ओए गया, छूट गया 850 पे, ध्यान रखना अपने ऊपर ना आए, बस ध्यान रखियो, ऊपर देखते रहो। अबे जोर से आएगा, साइड हो जाओ, आएगा फोन, आएगा। वो देखते रहे ना, अबे फोन कहाँ है? मुझे तो फोन कहाँ है? पता नहीं। अबे यार अब तक तो गिर जाना था। ओ शिट, हाँ फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? हाँ छूटा है कि नहीं फोन? छूट गया, लेकिन आ गया था नीचे। अबे यार शिट, अबे यार मुझे ये पता था फोन छूट गया, लेकिन फोन कहाँ गिरा है? हाँ कहाँ पे? अंदर पानी में, पानी के अंदर। अरे यार अगर भाई पानी में गया, क्योंकि हमको कुछ आइडिया ही नहीं लग पाया यार। अबे यार मुझे लगता है जो फोन है, अबे यार किसी को कुछ नहीं दिखा, क्या करें? अबे यार पानी में गिर गया होगा तो जिंदगी में नहीं मिलेगा कभी, 850 फीट पे तो ड्रोन है भाई। मुझे लगा सर में ना आ जाए, सर पे ना आ जाए, यार कहाँ जा सकता है वो? देख मोहित देख, कहाँ उड़ी थी चिड़िया? अबे यार, अबे फोन ही गया, कुछ तो दो, कुछ तो देखते हम। ड्रोन सर पे है भाई, ड्रोन मेरे सर पे है बिल्कुल, ड्रोन को तो नीचे उतार रहा हूँ मैं, पर फोन किधर है? हवा के साथ में गया हो सकता है। चलो ढूंढो, कोई नहीं गाइस, यार अब हम लोग ड्रोन से ढूंढ रहे हैं उसको। उम्मीद ये है ड्रोन की फुटेज में देखने के बाद कि वो इसके अंदर गया पानी में, लेकिन यार मिलेगा कैसे? पानी में तो कुछ नहीं दिखता इसमें, उसकी रस्सी जरूर दिख सकती है ये उम्मीद है जरा सी, बाकी तो नहीं तो भाई गया। अबे यार और उड़ा दो ड्रोन सारे, गाइस यार यहाँ पर हो चुकी है रात, ढूंढे जा रहे हैं फोन को, अब पता नहीं यार वो पानी में गिर गया या क्या हुआ, हमको कुछ भी नहीं समझ में आया, बस ड्रोन से छूटा, ड्रोन की फुटेज हमने देख ली, उसके बाद लिटरली कुछ नहीं समझ आ रहा कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं। हमको जब ढूंढते हुए 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, पूरी रात हो चुकी है। अब यार मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है चले जाते हैं, और कोई ऑप्शन जो है वो यहाँ पर है नहीं। चलो लेकिन सोच रहे हैं थोड़ा बहुत और ढूंढ लेते हैं, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, नहीं तो भाई वीडियो ख़त्म करेंगे। और यार सॉरी जो है इतना अच्छा रिजल्ट इसका नहीं आया, अबे नहीं है यार। चलो देख लो एक और लास्ट ट्राई कर रहे हैं, अगर मिल गया ठीक है। दो लोग उधर चले जाओ ना उस साइड में यार, हवा इस साइड की थी, उधर जा सकता है, जल्दी करो। मजाक कर रहे हैं क्या? मिल गया, कैमरा किधर है? कैमरा लाओ, अबे कैमरा लाओ, कैमरा क्या? गाइस यहाँ पर जो फोन है वो मिल गया है, अंधेरा हो चुका है यार, ये कहाँ गिरा हुआ है? हमारी जो गाड़ी है या फिर हमने जहाँ से उड़ाया था वहाँ से कहाँ है, एक बार देखना उधर, यार अंदाजा ही नहीं लग रहा। यहाँ से मेरे हिसाब से लगभग वो कहीं ना कहीं 200-300 फीट होगा यार, 300 से ज़्यादा ही होगा कुछ। अबे यार गाइस जो फोन है वो मिल चुका है, और फोन अभी वन पीस में है, देखो इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है, और हम जो है यार
काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे, हमने खूब ड्रोन उड़ाया पानी के ऊपर, हमको लगा कि रस्सी हमको दिख जाएगी पानी पे पड़ा होगा तो, लेकिन फिर हम लोग जाने वाले थे, फिर हमने सोचा कि नहीं थोड़ा सा जो है सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा और एरिया बढ़ाते हैं। और हमने नहीं सोचा था कि ये इतना दूर आके मिलेगा। और भाई अब जो है ये आ चुका है हमारे हाथ में। अबे यार इतनी ऊंचाई से गिरा है। और गाइज अगर हमारी जगह कोई भी होता ना वो इसको छोड़ के चला जाता वास्तव में। तो पर मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। ऑन हो जा ऑन नहीं हो रहा। एक रीज़न पता है क्या हो सकता है कि ये गिरा होगा और इसकी रिकॉर्डिंग चालू रही होगी, अब इतना टाइम हो गया वो रिकॉर्ड करते करते ये बंद हो गया होगा, ये बहुत पॉसिबल है क्योंकि फ़ोन के ऊपर डैमेज नहीं है। तो अब जो है इसको चालू करके देखना पड़ेगा कि भाई साहब हुआ है क्या। और हमारे पास कार्ड भी है, कार्ड में जो है रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो अगर फ़ोन भी चालू नहीं हुआ तो कार्ड की तो मिलेगी। चलो देखते हैं इसको चालू करके, चार लगाते हैं थोड़ा देर। तो भाई हम लोग जो हैं वापस आ चुके हैं हमारे फ़ोन के साथ में। और हुआ कुछ ऐसा है कि ये जो फ़ोन है इसकी जो डिस्प्ले है दैट इज़ गॉन, जो डिस्प्ले है वो चालू नहीं है। फ़ोन उस टाइम भी चालू था, मैंने बोला था कि ये वाइब्रेट हुआ है। और वाइब्रेट कैसे हुआ था कि मैंने कुछ बटन दबाया होगा उसकी वजह से वाइब्रेशन हुआ था फ़ोन में। जो डिस्प्ले है वो जा चुका है, जैसे चार्जर कनेक्ट कर रहे हैं वो टू टू की आवाज़ आ रही है। फिर हमने इसको इसका कार्ड निकाला तो उसके बाद में हमने फुटेज चेक करने की कोशिश करी। फ़ोन में तो डिस्प्ले गई, बाकी एकदम जो है पूरा फ़ोन ठीक है। हमने कार्ड खोला, कार्ड को कंप्यूटर में लगा करके, कि क्योंकि हमने कार्ड में फुटेज सेव करी थी, वो जो फाइल है पूरी तरीके से करप्ट हो रखी थी, बुरी तरीके से। फाइल एक्सटेंशन तक उसमें नहीं था, कुछ भी नहीं था, 156 MB की फाइल थी। हमने उसको रिकवर किया बड़ी ही मेहनत करके, लेकिन यार फाइल रिकवर हो गई। और उसके बाद जो चीज़ देखने को मिली वो वाकई ज़बरदस्त है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वो फुटेज जो कि हमको इस मोबाइल फ़ोन के कैमरे से मिली, जो कि हमारे मेमोरी कार्ड से हमने रिकवर की, ठीक है। जो क्लिप है वो आप देखना कितनी तगड़ी है, पूरी जो है आपके सामने प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फुटेज। ड्रोन फ़ोन को ऊपर ले जा रहा है अभी, और भाई अब जो फोन है वो जस्ट गिरने वाला है और फोन छूट चुका है। तो भाई यार ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो नहीं रही है, पूरा प्रोजेक्ट बन गया एक तरीके से। मतलब कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होने वाला है, कि पहले तो देखते ही रह गए ड्रोन गया कहाँ, वो सॉरी मोबाइल गया कहाँ। उसके बाद पूरा छान मारा, रात हो गई, सांप दिख रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। और रात में जाकर के जो फोन है वो हमको मिल गया। और ऊपर से कमाल की बात यह है कि ये जो फोन है ये एकदम वन पीस में है। इसकी डिस्प्ले टूटी है, डिस्प्ले खराब हुई है, उसके अलावा आई होप कि जो मोबाइल है वो चालू होगा, क्योंकि बाकी जो अंदर की चीजें हैं वो भी आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। बाकी अंदर की जो चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हो। अबे यार ये बैटरी में भी कुछ हुआ है क्या? ओहो हुआ तो है। बैटरी जो है वो यहाँ से देखो, यहाँ से बैटरी फूल गई है, दिख पा रही है उसमें? हाँ। यहाँ से जो बैटरी है वो फूल गई है, यहाँ से दबी हुई है। भाई ये पहले एकदम सपाट थी मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक मुझे लगता है बैटरी मुड़ गई है। अब यार बैटरी का शेप ही मुड़ गया है। ओहो, और कैमरा ठीक है, बाकी जो है ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है फ़ोन में। लेकिन फिर भी यार आप लोग सोचो 850 फीट, हद से ज़्यादा हो जाता है यार। वहाँ से फ़ोन गिरा, गिर के बच गया, हमको इतनी मेहनत करवाई और ज़बरदस्त फुटेज दे डाली। लास्ट में आवाज़ कैसी आ रही थी, इतना ज़बरदस्त इसने स्पीड पकड़ ली रोटेशनल वाली। पहले धीरे धीरे घूमा, उसके बाद इतना फास्ट घूमा फ़ोन, दिमाग चकरा गया मेरा जब मैंने फुटेज को इसके देखा। तो आपका भी चकरा गया होगा। लेकिन यार इस सब के लिए एक लाइक तो ज़रूर से बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।